हूँ आपको उसकी पहली लाइन, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, ये लाइन आप सब ने सुनी होगी। आपको करना बहुत ही आसान काम है कि आपको इसके पहले का जो मिसरा है वो मुझे बताना है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, ये मिसरा मैंने आपको सुनाया, इसका जो पहला मिसरा है वो क्या है, आप मुझे कॉल करें और कॉल करके भी बता सकते हैं। कोशिश करिए, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके पास पूरा टाइम है, और नहीं तो मैं आपको बाय बाय कहने से पहले जरूर ये मिसरा बता दूंगी। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल ट्राई करें। और अगर आपको दोस्तों है शौक कुछ गुनगुनाने का या कुछ सुनाने का, तो भी आप हमें सुना सकते हैं। तो मैं पहले देख लेती हूँ ये किसकी कॉल है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? रेशमी जी बोल रही है। हाँ, मैं रेशमी बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? रेशमी जी, मैं शिखा शौकीन बोल रही हूँ, और मैं आपका प्रोग्राम बहुत सुनती हूँ, हर थर्सडे को सुनती हूँ। आपकी आवाज इतनी मीठी है कि बस मैं उसी में खो जाती हूँ। वाह, कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपने दिया। और बहुत अच्छी है। वाह, आपने तो मेरे प्रोग्राम को, मतलब बोलते नहीं जो कहा जाता है, मेरा दिन बना दिया, वैसे ही आपने आज मेरा प्रोग्राम बना दिया। नहीं, मैं आप दिन बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन आप ईद का चांद हो जाती है, नहीं है आपका कॉल आज मिला है। एक्चुअली होता यही है ना, आज आपने मुझे दिल से याद किया और मुझे ऐसा लग रहा था। और देखिए, पहली कॉल आपकी आई। मैं आज आपके माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को सुनाना चाहती हूँ। हमेशा मैं आप सुनती हूँ, आज मैं रेशमी बन जाती हूँ और जरा कोशिश करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमेशा मैं आपको सुनती हूँ, आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल सुनाए। हाँ जी, मैं कहना चाहती, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, आप मीठी, बहुत अच्छा लगता है। आप जब हेलो ही करते हैं ना हमारे लिसनर्स, आहा, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप बताएं। मेरी ख्वाहिशें, मेरी हसरतें, मेरी जिंदगी से जुदा न थी। मेरी ख्वाहिशें, मेरी हसरतें, मेरी जिंदगी से जुदा न थी। मेरे लिए तुम्हारी अहमियत कभी खुदा से कभी कम न थी। जब भी कभी देखा है तुमको, क्या नजरें सजदे में झुकी न थी। हाँ, इश्क है हमें तुमसे, क्या ये बात दिल ने कभी कही न थी। शुक्रिया। अरे वाह, ये तो बहुत 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 ही अच्छा आपने लिखा। क्या मतलब ये इश्क है तुमसे, क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आस पास के लोगों को देख दाख के और उनको हम शब्दों में लिखते हैं। नहीं, बिल्कुल आप कह सकती हैं, हाँ रेशमी मुझे इश्क है तुम्हारी बातों से। इश्क आपके प्रोग्राम से है, हर बृहस्पतिवार को मैं 2 बजे सुनती हूँ, और मैं बहुत ट्राई करती हूँ आपसे बात करने का, पर भैया नहीं, आप नहीं कर पाते। आज आज मिल गया, आज हमारी किस्मत अच्छी थी। आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी आपसे बात हो गई और आपने इतनी प्यारी प्यारी मुझसे बातें की, और बहुत शुक्रिया। और आगे भी आप कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थे शिखा शौकीन, जो लिखने का शौक भी रखती हैं। वाकई आपने बहुत ही प्यारा शायराना अंदाज में मुझे कुछ सुनाया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। तारीफ में कोई कमी मत कीजिएगा, बिंदास, जैसे अभी शिखा जी ने कॉल किया ना, और आराम से दिल खोल के आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाल फिलहाल मैं अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ती हूँ, तो मैं देखती हूँ पहले किसकी ये कॉल है। हेलो, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं ललित बोल रहा हूँ, रेडियो से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं रेडियो जामिया से ही बात कर रही हूँ। रेशमी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं रेशमी ही बात कर, मतलब थर्सडे को आप बिल्कुल आँख बंद करके कॉल किया कीजिए और कहा कीजिए हाँ जी रेशमी से ही बात कर रही। मेरी तो किस्मत खुल गई एक्चुअली। हाँ, सच्ची किस्मत, आज लोगों की बड़ी किस्मत खुल रही है, क्या बात है। नहीं, एक्चुअली मैं ये है कि जब भी प्रोग्राम में सुनता हूँ और आपसे मेरी बात, ये पहले भी मैंने कई प्रोग्राम सुने हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपका जो नाम है, जो रेशमी, जी जी, तारीफ में अर्ज करने वाले हैं, तो अब आप आराम से बोले। जी जी जी, हाँ हाँ जी, फरमाएं। मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरीके से आपकी आवाज है रेशमी, नहीं सॉरी, फिर से बोले, हाँ कुछ भूल गए लाइन आप। हाँ, जैसे आपका नाम है रेशमी, ऐसी आवाज भी आपकी रेशमी है। ओ शुक्रिया शुक्रिया, बहुत सुंदर अंदाज है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कॉल करता हूँ, और मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, अच्छी एक शेर सुनाता हूँ। हाँ हाँ। दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने,
प्यार जिसे कहते हैं वो नादान क्या जाने, हवा के साथ उड़ गया घर इस परिंदे का, कैसे बना सब घोंसला वो तूफान क्या जाने। वाह, घुट घुट कर जीने में घुट घुट कर जीते रहे कोई फरियाद ना करे, कहां से लाऊं वो दिल जो तुझे याद ना करे। वाह वाह, ये आप ही के लिए है। अरे वाह, मतलब बिंदास बोल सकते ना, फ्लर्टिंग ऑन एयर बिंदास चालू है। ये फ्लर्टिंग नहीं एक्चुअली में, बाकी आप जो हैं, मुझे मैंने आपको कभी देखा नहीं है। हाँ हाँ। और मैं मिलना भी चाहूंगा किसी दिन, या फिर कभी रेडियो जामिया में अगर मुझे बुलाया जाए। हाँ जरूर, मैं आप ऐसे कॉल करते रहिए, मैं आपको जरूर चाय पे इन्वाइट करती हूँ। क्या मैं गाना भी सुना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए सुनाए। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में ये बात कैसे गवारा करेगा दिल मेरा, तुम्हारा जिक्र किसी और की जुबान से हो, तुम्हारे हुस्न की तारीफ आई ना भी करे तो तुम्हारी कसम है कि तोड़ दूसको, तुम्हारे प्यार तुम्हारी अदा का दीवाना मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। वाह वाह वाह, बहुत 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 ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा गाया ललित आपने। आप ये तो बता दें, आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में बहुत सारी प्लेस हैं, कहाँ से आप बोल रहे हैं? मैं पहाड़गंज से बोल रहा हूँ। पहाड़गंज से, ओके। लेकिन ये जो भी आपने सुनाया बहुत ही खूबसूरत था, ये आप दुआ कर रहे थे कि बद्दुआ की तुम्हारा चाहने वाला और भी कोई ना हो, ये बात अच्छी नहीं है, और भी हो आपके जैसे। ये बद्दुआ नहीं है, जो किसी को चाहता है वो ये भी चाहता है कि वो किसी और से कोई प्यार ना करे। हाँ हाँ। वो अपने चाहत को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ओ माय गॉड, ओ हो हो। और बहुत बहुत शुक्रिया ललित, वाकई आपने तो मेरा दिन बना दिया। वाह शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं दिन मैंने नहीं बनाया, दिन बल्कि आपने बना दिया। आए है, क्या बात है। चलो, सच में आपकी आवाज बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है, आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा। कह दीजिए। जैसे भी आप कोई गजल या कोई कव्वाली या कोई चीज सुनवाते हैं, बीच बीच में अगर थोड़ा सा फेड आउट करके थोड़ा सा एक शेर अगर उसके बीच में आ जाए, ठीक है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, मैं आपकी ये भी तमन्ना आगे जरूर जरूर पूरी करूंगी। अब मैं अपने जबान पे काला तिल लगा लूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे ललित और इन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की, बहुत ही प्यारा सा शेर सुनाया और बहुत ही खूबसूरत सा कोई मुझे गाना भी सुनाया। दोस्तों, अभी मैंने आपसे पूछा था, ऐसे कई शेर होते हैं जो बहुत मशहूर होते हैं और लोगों के जुबां पे चढ़े होते हैं। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, काफी फेमस है और इस पे आई एम श्योर इस पे सॉन्ग भी था। आपको बस करना यही है कि इसका जो पहला मिसरा है, यानी वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, इसके पहले वाली जो लाइन है, जो मिसरा है, वो आपको मुझे बताना है। याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना आपको प्रोग्राम से जब मैं बाय बाय करूंगी उससे पहले मैं आपको जरूर ये बता दूंगी। जिंदगी तू मुझे पहचान ना पाई, जिंदगी तू मुझे पहचान ना पाई, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं तेरा नुमाइंदा हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।
बशीर साहब ने कामयाबी की बुलंदियों को फतेह कर बहुत लंबी दूरी तक लोगों की दिलों की धड़कनों को अपनी शायरी में उतारा। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ, मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। ऐ सनम वस्ल की तदबीरों से क्या होता है, ऐ सनम वस्ल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। देखा, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे जो मिसरे हैं ना आपके सामने रखूंगी और आपसे सवाल करूंगी और आप उसके जवाब के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा।